अस्सलाम वालेकुम शोकीन। तो भाई मैंने एक कोरंगी की एक वीडियो बनाई थी जानवरों की, जहाँ बहुत ही ज्यादा सस्ते जानवर थे। तो आप लोगों की उस पर इतनी डिमांड आई कि भाई वहाँ नया माल आया, तो दोबारा जाओ, दोबारा वीडियो कवर करो। तो भाई दोबारा वीडियो कवर करने आ गए और हमारे साथ ये भाई मौजूद है, शौकत भाई के। भाई क्या नाम है आपका? जब्बार भाई है। तो भाई ये अभी जानवरों के रेट देंगे हमें, कुछ नया माल आया। ये बच्चा जो नया खड़ा हुआ है, क्या डिमांड करना है इसकी? 220। दांतों में दो है? आखिरी का मतलब जी 80-90। एक 80-90 तक छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से 3.5 मंथ के ऊपर ही है। तो शौकीनो 3.5 मंथ से भी ऊपर ही है ये, और 80-90 आखिरी छोड़ देंगे। ये बच्चा भी नया खड़ा हुआ है? अच्छा, और दांतों में दो है? दो। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 220 के पुट्टे। अच्छा, 220 के पुट्टे। ये वाला भी 220 का पुट्टा है और ये वाला भी 220 का पुट्टा है। ये भी आखिरी 80-90 वही वाला है। तो शौकीनो ये देखो भाई, ये भी 220 का है, वो भी 220 का। ये डिमांड कर रहे हैं इसकी, और आखिरी 90। अच्छा, ये वाला जो बैठा है पुराना माल बैठा हुआ है? ये पुराना बिका हुआ माल है। अच्छा, ये सारा बिका हुआ माल है, और वाले दिखा दे। तो शौकीनो भाई, एक वो बच्चा जो खड़ा हुआ है, और एक ये खड़ा हुआ है, और ये, तो ये सारी लाट के अंदर है। 2,20,000 रूपए की डिमांड करिए, और आखिरी बोल रहे 1,80,000 रूपए या 1,90,000 रूपए में छोड़ देंगे। 1, 2, 3 और बाकी ये 3 जो बछड़े खड़े हुए हैं, देख लो भाई शौकीनो, यार बदन में मेरे हिसाब से सब 3.5 मंथ से क्रॉस मारे हुए हैं। आप लोग जब खुद आएंगे, खुद आके विजिट करेंगे, तो इंशाल्लाह और कुछ भी मोहब्बत कर देंगे। शौकीनो ये सब 3.5 मंथ से ऊपर ही है, क्रॉस मारे हुए हैं। 1,80-1,90 बोलने आखिरी दे देंगे। दांतों में सारे दो दो हैं, ये भी अच्छा खड़ा हुआ है, और ये वाला, इन पूरे 6 बछड़े की लाट है। 1,80-1,90 में आखिरी दे देंगे। तो शौकीनो ये 6 बछड़े जो नया आया हुआ, इनके पास माल है। आप लोगों की इतनी डिमांड आ रही थी कि यहाँ पे जाके दोबारा वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो तो छोटी सी बनी, और बाकी वीडियो में इसमें स्माइल गोट की भी अटैच कर दूंगा, और शौकत भाई का नंबर चल रहा है वीडियो में, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शौकीनो स्माइल गोट की रिपोर्ट ये कि भाई यहाँ जितना भी माल है वो सब पुराना माल बंधा हुआ है, नया माल कुछ भी नहीं आया है। अभी इनसे मेरी बात हुई है तो ये बता रहे हैं नया माल आने में तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। और ये जो आप आड़ा से देख रहे हैं, सारी बाड़े टाइप जो बने हुए हैं, सब खाली पड़े हुए हैं, तो भाई ये बनेंगे तकरीबन 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे माल आएगा। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको जाके इलियास गोट की रिपोर्ट दूंगा, इलियास गोट में दिखाऊंगा कि कितना माल आ गया, वहां पर माल आना शुरू हो गया। अभी ये जो आप सारा देख रहे हैं कचरे वाला माल चल रहा है, और बाकी ये जो माल है ये कुर्बानी वाला है। अच्छी वीडियो बस यहीं लगती, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी व्लॉग में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।